गाइस वेलकम टू बैक माय चैनल। तो गाइस अभी सुबह के बजे है 6:30। अभी हम जा रहे हैं खेलने के लिए वॉलीबॉल। तो मुझे वॉलीबॉल खेलना बहुत ही पसंद है, तो मैं किसी का वेट कर रहा हूँ जो यहाँ पे आने वाला है, मेरे को वहाँ पे लेके जाएगा। यहाँ हम लोग खेलते हैं समुंदर के बीच के किनारे। तो मैं नया पर्सन हूँ, तो मेरे को लेने के लिए कोई आने वाला है क्योंकि मैं रास्ता जानता नहीं। तो गाइस वो वेट करते हैं उनका, मुझे लगता है बहुत देर हो चुकी है, पता नहीं आएंगे या नहीं आएंगे। चलो वेट करते फिर भी 10 मिनट और, उसके बाद अगर नहीं आए तो हम वापस रूम पे चले जाएंगे और उनका वेट करना बंद कर देंगे, ठीक है ना। तो चलते हैं, देखते हैं आते हैं कि नहीं आते हैं वो लोग। हेलो गाइस वेलकम टू बैक माय चैनल। तो गाइस मैं मॉर्निंग में ऐसे मेरे को लेने के लिए आ गए थे और मैं खाना खा के भी निकला वहाँ से, तो मतलब खाना खा के नहीं, सॉरी वॉलीबॉल खेल के मैं सीधा निकला वहाँ पे। और अभी मैं जा रहा हूँ, लंच टाइम हुआ तो सीधे घर पे जा रहा हूँ। तो हाँ ब्लॉगिंग, तो घर पे हम खाना ना खा रहे हैं, तो हमने खाना खा लिया है, अभी हम जाने वाले हैं वापस शॉप पे। तो शॉप यहाँ से हमारा थोड़े ही दूर है, यानी ज़्यादा किलोमीटर भी नहीं, नज़दीक ही है, इतना दूर नहीं। तो चलो चलते हैं। तो गाइस वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस हम बैठे बैठे यहाँ पे बहुत बोर हो रहे हैं, तो यानी यहाँ पे हम टेरिस के ऊपर आए थे तो यहाँ पे काम कर रहे हैं, यानी कि जो डैमेज पीस है ना उनको साइड में कर रहे हैं और वापस कंपनी में रिटर्न जाएगा, उसके बाद वापस नया पीस आएगा उसके बदले से। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कितना सारा झंझट मार पड़ा है। गाइस आप देख सकते हो कितना डैमेज पीस पड़ा यार, और काम के बदले ये लोग फ़ोन ही चला रहे हैं यहाँ पे। हेलो गाइस वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस कैसे हो आप सब, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हम लोग यहाँ पे आए हैं टेरिस पे, तो यहाँ हमारा चल रहा है वर्क डेज, यानी कि वर्क डेज का मतलब होता है क्योंकि यहाँ पे जितना भी डैमेज पीस पड़ा है हमारे स्टॉक में से हम उसको अलग कर रहे हैं, और जिस जिस कंपनी का स्टॉक है उसको साइड में रख रहे हैं। उसके बाद हम पूरा स्टॉक इकट्ठा करने के बाद उसको लिखेंगे पेपर पे कौन सा स्टॉक बर्बाद ज़्यादा हो गया है, तो उसको वापस रिटर्न करेंगे हम लोग, और कौन सा सही है उसको वापस कंपनी में रिटर्न करने के बाद हमारे पास ही रखेंगे। तो चलो चेक करते हैं सबको, स्टॉक को हमने पूरा स्टॉक अलग अलग कर दिया है, तो चेक करने के बाद हमें पता चलेगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो चलो बाय।